एलन मस्क की स्टारलिंग कंपनी को सैटेलाइट की मदद से भारतीय बाजार में मोबाइल और ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए जल्दी ही लाइसेंस मिलने के संकेत हैं। दुनिया के कई देशों में हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली स्टारलिंग कंपनी ने भारत में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS संबंधित सेवाएं मुहैया कराने के लिए लाइसेंस मांगा है। खबरों के मुताबिक इस महीने के अंत तक संचार मंत्रालय स्टारलिंग के आवेदन पर विचार कर आखिरी फैसला ले सकता है। लाइसेंस के लिए स्टारलिंग का आवेदन लंबे समय से लंबित है। सुनील मित्तल की वन वेब और जियो स्पेस पहले ही GMPCS सेवा के लिए लाइसेंस ले चुके हैं। अब स्टारलिंक भी कोशिश कर रहा है और ये इस बात को दिखाता है कि हमारी सरकार की पॉलिसीज को वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जा रहा है और उस जगह जहां पहले एक भी ऑपरेटर नहीं था आज दो आ गए हैं, तीसरा आना चाह रहा है। ये इसका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट भी आएगा और जो एरियाज अनकनेक्टेड है वहां पर सर्विस भी दी जाएगी। स्टारलिंक जब से एलन मस्क आया है तब से आपने हम सब जानते हैं कि वो काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, काफी बढ़ रहा है और हर वहां एरिया में जाता है जहां उसको स्कोप दिखाई पड़ता है। उसके यहां आने का भारत में हमारे लिए, नागरिक के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए इम्पोर्टेंस ये है कि अगर एलन मस्क भी यहां आ रहा है तो वो यहां भविष्य देख रहा है, इन्वेस्टमेंट देख रहा है, स्कोप देख रहा है, बिजनेस देख रहा है। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट व्यवस्था के तहत दूरसंचार महकमे की रणनीति देश के सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों तक मोबाइल और ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं पहुंचाने की है जहां अब तक मोबाइल सेवा नहीं पहुंच सकी है। सैटेलाइट की मदद से मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने की टेक्नोलॉजी नई है और इस सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सैटेलाइट की मदद से दूर दराज के पिछड़े इलाकों में भी मोबाइल और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं पहुंचाना बेहद आसान होगा। इसकी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, पॉलिसी गाइडलाइंस, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसके तहत लाइसेंस दिए जाते हैं। इसमें सिर्फ यह है कि क्योंकि स्पेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको उस जगह तक जहाँ भी सर्विस दे रहे हैं, गांव में, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में या हवाई जहाज में देते हैं वो भी इसी के थ्रू दी जाती है क्योंकि इसमें वहां पर कोई ताज या कोई दूसरा साधन नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से लाइसेंस मिलने के बाद भी स्टारलिंक को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और दूसरे कुछ अन्य सरकारी विभागों से मंजूरी लेनी होगी। फिलहाल BSNL इमारसेट सैटेलाइट की मदद से सुरक्षा बलों, NDMA और SDMA जैसी संस्थाओं को दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अपनी ग्लोबल सैटेलाइट फोन सेवा के तहत फोन करने और संदेश भेजने जैसी सेवाएं मुहैया करा रही है। अब देखना होगा कि स्टारलिंक को कब तक मंजूरी मिल पाती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।